नमस्कार, वैश्य व्यापार न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ मेघा वर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। पहली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि अमेठी में स्मृति ईरानी का जबरदस्त विरोध, जूता बांटकर फंस गई स्मृति ईरानी। दरअसल दोस्तों, अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा जूता बांटे जाने की घटना ने एक नया राजनीतिक मोड़ ले लिया है। अब वही लोग जूता लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं जिन्हें स्मृति ईरानी ने जूते बंटवाए थे। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने इसे अमेठी की जनता का अपमान बताया। उन्होंने कहा कि अमेठी के लोग भिखारी नहीं है। अब हरिहरपुर गांव के लोगों ने मंगलवार को इस पर प्रतिक्रिया देते हुए हाथ में जूते लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने हाथ में तख्तियां पकड़ रखी थी जिस पर लिखा था, स्मृति ईरानी उन्हें अपना पता दे ताकि वो जूते उनको वापस भेज सके। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों को स्मृति ईरानी ने जूता दिया था उन लोगों ने कहा कि हम भिखारी नहीं है, और उन्होंने एक तख्ती हाथ में ले रखी है और स्मृति ईरानी का विरोध करते हुए उन्होंने कहा कि आप हमें अपना पता दीजिए, हम आपको ये जूते वापस भेजवाना चाहते हैं। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे गांव के निवासी मान सिंह ने कहा, हम भिखारी नहीं हैं कि जूते रख लें, हमारी आमदनी भले ही अधिक नहीं है पर हम अपने दम पर जूते खरीद सकते हैं। एक और निवासी राम सुंदर ने कहा कि हमने जूते वापस करने का निर्णय लिया है क्योंकि स्मृति ईरानी ने इसको वोट के लिए इसे चुनावी मुद्दा बनाया है। सुंदर ने कहा कि वह हर किसी से कहती फिर रही है कि उन्होंने हरिहरपुर के लोगों को 25,000 रुपए कीमत के जूते दिए हैं। क्या हम बिना जूतों के मर रहे थे क्या? अब आज तक इस गांव में आई नहीं, उन्हें कैसे पता हमारे पास जूते हैं या फिर नहीं हैं। हालांकि इस बीच भाजपा के स्थानीय नेता समीर शुक्ला ने कहा कि स्मृति ईरानी की बढ़ती लोकप्रियता से भयभीत होकर यह प्रदर्शन कांग्रेस करवा रही है। लेकिन आपको बता दें कि जिन लोगों ने जूते स्वीकार किए थे वही लोग इस वक्त चुनावी मुद्दा बनाने को लेकर यहां पर विरोध पर उतर आए हैं। और उन्होंने कहा कि गांव-गांव जाकर स्मृति ईरानी कह रही हैं कि उन्होंने 25,000 के जूते उनसे बंटवाए, लेकिन वो भिखारी नहीं है, वो कम आमदनी में जरूर हैं लेकिन अपने पैसे से जूते जरूर खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, मुश्किलें बढ़ सकती हैं स्मृति ईरानी की अमेठी, और अमेठी में मतदान से ठीक पहले यहाँ पर बड़ा झटका दे दिया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हमीरपुर में गर्जी प्रियंका गांधी, नाम लिए बगैर पीएम मोदी के लिए कह दी ये बड़ी बात। दरअसल दोस्तों, बुंदेलखंड आई कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने नाम लिए बगैर कहा कि प्रचार टेलीविजन और अखबारों में तो दिखाई देते हैं लेकिन वह लोग से बात नहीं करते, विदेशों में दिखाई देते हैं लेकिन अपने संसदीय क्षेत्र बनारस में नहीं दिखाई देते, वहां की जनता अपने सांसद को देखने के लिए ललायित है, वादे भूल चुके हैं और झूठे वादे करते हैं, उनमें सत्ता अपने पास रखने की भूख है। प्रियंका हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र के राठ में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रही थी। आपको बता दें कि राठ के बीएनबी डिग्री कॉलेज के मैदान में बुधवार शाम आयोजित जनसभा में प्रियंका गांधी ने कहा कि मोदी सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, पूंजीपतियों के कर्ज माफ होते हैं लेकिन किसानों के कर्ज माफ नहीं किए जाते, ऐसी सरकार को रोकने की आवश्यकता है, इस प्रकार की राजनीति चल रही है, जीएसटी लागू कर व्यापारियों की कमर ही तोड़ दी है और काला धन वापस लाने के ऐसे वादे किए जो वो भूल ही गए, सरकार उद्योगपतियों के लिए चल रही है। कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि ये कैसी राजनीति है, ये किस तरह की सरकार है जो भूल चुकी है कि सत्ता उसको देने वाला कौन है, जनता लोकतंत्र में सबसे अधिक शक्तिमान होती है, ये बात वो भूल चुके हैं, ये सोचते हैं कि जनता को गुमराह करके झूठे झूठे प्रचार करके आगे बढ़ते रहेंगे, सत्ता को अपने पास रखते रहेंगे, खुद इनकी शक्ति बढ़ जाएगी, इस तरह की राजनीति जो है इसे नकारने रोकने की जरूरत है, इनके शासन में लोकतंत्र को दुर्बल बनाया गया क्योंकि लोकतंत्र से शक्ति जनता को मिलती है। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने जनता को बताया कि कांग्रेस ने मनरेगा योजना चलाई थी जिसमें मजदूरों को 100 दिन का रोजगार मिला, कांग्रेस की सरकार बनी तो मनरेगा में 100 दिन को बढ़ाकर 150 दिन किया जाएगा, हर गरीब परिवार को 72,000 रुपए सालाना दिया जाएगा, सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा की जांच और इलाज मुफ्त मिलेगा, सरकारी पाठशालाओं में 12वीं कक्षा तक शिक्षा मुफ्त होगी, यदि कोई नौजवान अपना उद्योग शुरू करेगा तो उसे 3 साल तक परमिशन यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं होगी, अगर उसके बिजनेस से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा तो उतना कम टैक्स उस पर लगेगा, रेलवे की
तरह किसानों के लिए अलग बजट बनेगा। इसमें हर साल किसानों के लिए पार्टी जो करने जा रही है उसकी घोषणा भी की जाएगी। तो दोस्तों यहां पर बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है, हमीरपुर में बिना मोदी का नाम लिए जबरदस्त बरसी प्रियंका गांधी, और यहां पर उन्होंने बड़े वादे जनता से कर दिए रुख। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए वैश्य व्यापार न्यूज़। नमस्कार।